यार बर्फ को हमारे ये कुछ ज्यादा स्नोफॉल हो रही है अभी, जो आंखों से इतना सही लग रहा है ना लाइव देख के यार, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस चीज को ना जो अभी हम देख रहे हैं। यहाँ से बहुत जबरदस्त लग रहा है यार, क्या बात है क्या बात है, ये पूरा निशान बन गया मेरा। और यहाँ से हम अभी नीचे जा रहे हैं और सर बर्फ पड़ी है। हाँ रितेश होता है ना, साफ होता है पूरा पूरा। गुड मॉर्निंग बकलोल, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी के व्लॉग्स। गाइस गेस व्हाट, ये देखो बर्फ पड़ चुकी है रात को और अभी भी जो है स्नोफॉल हो रहा है, मतलब फाइनली हैप्पी। कैसा लग रहा है यार, कसम से यार मजा ही आ गया यार, जो फील हो रहा है ना अभी भी। मर्जी पता क्या कराई, पड़ रही है मजा ही आ गया यार। मर्जी पता क्या कराई, तेरा सर रहा होगा बूटा तो ओए ओए क्या बात है यार, मजा ही आ गया। तो चलो आज बड़ा ज्यादा मजा आने वाला है, तो करते आज के दिन की शुरुआत भोले बाबा जी का नाम लेके। हर हर महादेव। मामूशी भी देखना है कि बर्फ पड़ी क्या हुआ, देखो ना अभी भी लाइव स्नोफॉल हो रहा है। मामूशी क्या कर रहे हो आप, हो गया अब आप इधर डक गए, अब आप जा नहीं सकते। रात को 4 बजे बाहर आया था तब तो कुछ नहीं था, अभी देखो तो देखो बर्फ हो चाहे जो मर्जी हो अपने काम नहीं छोड़ने। तो हमारे छोटे दादू सुबह सुबह कीट लेके गए हैं खेत में, हैं दादू है? क्या करना है फिर, काम तो करना, काम तो करना भी। कैसा लग रहा है बर्फ में? अच्छा अच्छा अच्छा। मामी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। क्या बन रहा है? बस चपाती बन रही है। चपाती आज आपकी तबीयत खराब हुई मैंने सुना, क्या हो गया? तबीयत खराब हुई है आज, मैं बीमार हो गई हूँ। कैसे पता नहीं, रेस्ट करो। बर्फ पड़ी है। गुड मॉर्निंग, आप उठ गया? बर्फ वाली, मैं अभी रेडी होके दिखाऊं? दिखा दिखा दिखा। वाकई यार, अभी वाकई यार, क्या बात है यार यार आए हैं, ऐसा फील आ रहा है ना ऊपर से, ये स्नोफॉल गिर रही है। अभी छोटे दादू के घर पे जा रहे हैं, हम दूध लेना था वहां से। ओए तेरी ये कितनी ज्यादा, और आपको पता है ये बर्फ कितनी नरम है, ये देखना ये आय हाय हाय, इतनी इतनी यार, खराब नहीं करो यार, इतना अच्छा है यार। सॉरी खराब नहीं करो, सॉरी, पर इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है ना, क्या ही बताए। आपको देख के थोड़ी सी जलस हो रही है, होने तो कोई बात नहीं, हमें तो मजा आ रहा है भाई। ये देख लो, ओए होए 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 भाई, सोनू अंकल नदी मंदू में अजी तो, ओ भाई बड़ी ज्यादा हो गई है यार। नहीं चाची बर्फ कुछ ज्यादा नहीं पड़ रही? ओए होए होए भाई, यहाँ से व्यू चेक करो, यहाँ से बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। ए हाय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है, बड़ी बर्फ गिर रही है। काड़ी दाजी, दाजी ਨਾਲੇ ਛੇਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਰ ਛੇਜੇ ਛੇਜੇ ਲੱਗਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿਣੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣੋ ਕਿੰਛ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਬਲੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟ ਬਿਸ਼ਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਬੇ ਛੇਜੇ ਛੇਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੱਤ ਗਈ ਹੋਏ ਓਹ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੋਟੜੇ ਕੋ ਤਲਾਣ ਬੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਮੋਢੇ ਜੇ ਵੀ ਤੋ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਨਾ याद रख लो। हाँ जी क्या क्या नहीं हो सकता क्या? हाँ कुछ पर्सनल। अच्छा है दो रहे बना रहे बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या बन रहा है? सरसों का साग। क्या बात है क्या बात है, मक्की की रोटी। हाँ हाँ चलो ठीक है, दो दूध दो देव दूध कौन साड़ी कोली कोली ती नहीं नहीं ये नहीं इसमें इसमें डालो सरसों का साग। चलो भाई बड़ा साग ऊपर। ओए होए 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 पैर फिर रहे हैं, पैर फील ही नहीं हो रहे भाई। ए मामा जी कुछ याद आया मुझे,
शर्त हार गए हो आप लोग, आप और मम्मी? यस सर, मैं नहीं, मैंने हाँ. लगाई नहीं थी, मम्मी ने लगाई थी. हाँ हाँ, तो हाँ. आपने कहा था बर्फ नहीं पड़ेगी, पड़ गई, शर्त हार गए. वो तो हार गए. तब अब तेरी मर्जी से होगा भाई सब कुछ. क्या होगा मम्मी, आपने शर्त में जीतूंगा तो आपकी बहू मेरी मर्जी से आएगी, ठीक है ना, जिसको मैं पसंद करूंगा. बिल्कुल, भले बरात यहाँ से होते हुए बेशक अगली मंडा नहीं मंडा भले यहाँ से बरात होती है हिमाचल जानी पड़े, लेकिन फिर ठीक है ना. जैस जहाँ तो बोलेगा ठीक है. किधर गगल? हाँ नहीं, हिमाचल के लिए हम राजी हैं. हाँ, क्योंकि हमारा कल्चर सेम सेम है. हाँ ठीक है, मिलता जुलता, वहाँ भी बर्फ पड़ती है, यहाँ भी बर्फ पड़ती है. बिल्कुल, कल्चर हिमाचल ठीक है, आगे पीछे से आगे पीछे सही, हिमाचल ठीक है. बस बस डन है हिमाचल, ठीक है ठीक है. रास्ता भी बढ़िया है नहीं वहां. हां अब तो चंबा के लिए रास्ता भी है पदरी से. हां आहे चंबा के करना है, चले मीटे इंच का नहीं रिश्तो गिन तो पापे ते मम जी का उन्होंने प्रोद राजी बाकी के. यार मतलब आप कैमरा से देख रहे होंगे लेकिन जो आंखों से इतना सही लग रहा है ना लाइव देख के, यार कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस चीज को ना जो अभी हम देख रहे हैं. यार कसम से क्या बात है, यार क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया. इतनी नरम बर्फ है ना ये. गाइस अभी हम जा रहे हैं त्रोन वाली साइड में, चक्कर मार के आते हैं थोड़ी वीडियो. हाँ उमा किया, हर जगह से ऐसा ही है, बीच में से ही जाना पड़ेगा. एक बार रुको. ओहो, ओह माय गॉड, ओ भाई ये नीचे देख रहे हो, इसमें से चलना पड़ रहा है. अंश ए भाई, ओ भाई रोड तो दिखी नहीं रही, इधर से कोई गाड़ी भी कैसे लेके जाएगा. आगे बर्फ इतनी नरम है ना ये कसम से. हैप्पी कोई नहीं, हेलो आंटी बर्फ कैच कर. तो गाइस हम निकल पड़े हैं बर्फ की वादियों में, मैं नितिन सौरभ भैया आगे, दूसरा नितिन रितेश, और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे सौरभ भैया ने मेरे को फेंका, पूरा मेरा निशान बन गया था बर्फ में, दौड़ रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है यार. व्यू देख रहे हो, वो देखो, और ये रोड है, मेन रोड है इनकी, यहाँ से चल रहे हैं, और यहाँ देखो ये सौरभ भैया ने मुझे यहाँ गिराया, ये पूरा निशान बन गया मेरा, और यहाँ से हम अभी नीचे जा रहे हैं, और सर बर्फ पड़ी है. हाँ रितेश क्या हाल है, ओ सौरभ, ओ नितल, ओ कुछ नो ना, वो सबसे सेक्सी दिख रहा है. अच्छा चलो चलो, चश्मा डाल के सबसे सही लग रहा है. ओ सौरभ, ओ नितल, जल्दी आ, ये आप सबके लिए बोंतरी. हाँ हाँ यार, अब ओए बच गया मैं, अभी मैंने व्लॉग शुरू किया था, पेड़ के ऊपर से बर्फ गिरी बड़ी तगड़ी. ओए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ. यस, अब ये क्योंकि पेड़ों से बर्फ गिरेगी, ये पेड़ों से पेड़ों से पेड़ों. अच्छा पेड़ों से, तो इतना मजा आ रहा ना, मतलब यार आनंद आ गया. तो गाइस हैप्पी थोड़ा सा बोंतर गया. जल्दी आ गया, जल्दी आ यार, इतना मजा आ रहा ना यार, इतना मजा, ऐसा क्या ऐसी खुशी, इतना फील हो रहा ना ये नजारा देख के, जो आंखों से कैमरा में नहीं जस्टिफाई हो रहा हूँ. हाँ you know, the people of this city don't know Hindi. Okay, okay. And you are trying to speak English. Okay, okay. ठीक है, ओ तुप. ये कहाँ से आ गई? हाँ है ना, ना ठीक है, सारी जगह बर्फ पड़ गई, इतना सही लग रहा है ना. ओहो कल इधर बिल्कुल ऐसे खाली मैदान था, कितनी बर्फ पड़ गई है अभी हम.
गाड़ी में ऐसा लग रहा है वो एक्स्ट्रा वो लगाया हुआ ऊपर है नहीं नितिन के गाइस एक चीज बताऊं नहीं यार कदा मैं करा चलो जहदा चंबे आनी और शैलिया की बर्फ पहला बारी जमा दे ये चौथा पयो बाद दिखा कि पोंदी रंदी पर ये जन्ने काट हुंदे इंदे तो पोंदी रंदी ये सवेरे 6 बजे तैयार हो या को बर्फ दिख रही वो करना बोंतरी दा से आई है गाइस बर्फ वगैरह में वीडियो वगैरह बना लिया बम मजा आ रहा है आग भी तप ली हां आ शाह जलाई दी दाई बारी आपने नहीं देखो को रील देखना और उसके बाद यार व्यू बड़े सही है खतरनाक लग रहे हैं समय घर नई नई बर्फ पड़ी है हम नई नई बर्फ को हमने ही पहले सबसे पहले चलना शुरू किया कितनी बड़ी बात है सौरभ भैया सुबह 6 बजे से तैयार हो गया था उठ 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 पर फिर भी मैंने अपनी पूरी शिद्दत रामी पूना एक नंबर किया मैं उठा 8:30 बजे 9:30 मैं अपने घर पे मैं लास्ट टाइम बर्फ देखी थी जब मैं 3rd क्लास में था उसके बाद अपने घर पे कभी टाइम ही लगा आने का बर्फ वाले टाइम पे लाइव बर्फ देखने का तो तभी मैं थोड़ा एक्साइटेड था अभी भी हूँ अभी और पढ़नी चाहिए तो क्या हो गया बर्फ में चल चल के लेकिन मैं अभी उतना ही आ रहा है बर्फ को देखो हाँ देखो हाय हाय इन आंखों की मस्ती में जय माता दी किधर हम घूमेंगे भद्रवा चलो भाई टैक्सी यार मजा आ रहा है यार बस अभी ये दुआ है कि और पड़े अब वापस स्नोफॉल होनी चाहिए लाइव स्नोफॉल में वीडियो बनानी है हमने यार उसमें तो अलग मजा आएगा ना मौसम ऐसा बन रहा है थोड़ी धूप भी है थोड़ी धुंध भी है अजीब मौसम बता नहीं सकते अभी क्या होगा अजीब मौसम है और धूप ओ गई निकाल ओ बची है फोन को अच्छी नहीं मेरा और वाकई मैं बोल पर फेर रख ओ और सुनाओ मैं कमेंट कुछ ला पा नहीं पर मैं बड़ा तो गाइस छोटे दादू के घर पे आए यहां क्या हो रहा है यहां पे अभी क्यों साफ किया जा रहा है शाबाश वीडियो बनाओ बस बनी वीडियो ऊपर से गिरा सीधन के ऊपर मजा आया देखो भाई इसको बोलते हैं क्रान इसको ऊपर की रखो ऊपर इसको कहते हैं ऐसे ऊपर नहीं रखना अगर ऊपर रखा तो फिर बर्फ ज्यादा आती है तो मैं थोड़ी ज्यादा रखता हूँ कि हमें बर्फ चाहिए भाई तो इसका काम होता है कि ये जितना भी होता है ना इससे साफ होता है कुछ ज्यादा साफ पूरा ग्राउंड करना साफ है नाम कर लेते हैं तो पूरा पहाड़ी बंदे हम करो करो इस पे मामी जी आपने कोई वीडियो शूट नहीं बनाई बर्फ में नहीं यार आप लोग ने मुझे लिया ही नहीं तो ना खुद गए तो हमारे को बोला माम जी जाओ माम जी तूने इसको ऊपर किया साफ हो गया तो ऊपर किया साफ हो गया तो मतलब बर्फ पड़ेगी ज्यादा सो गाइस बंदर भी दिख गए मेरे को बंदर भी आए जी बर्फ में सर सर अभी हम निकले थे बाहर थोड़ा सा काम से कुछ सामान लेने जाना था जैसे ही वैसे ही स्नोफॉल होना जो है वो शुरू हो चुकी है बहुत तेज हो रही है बहुत तेजी हो रही है अभी हमने पहुंचना है वापस भी आना बट मजा पूरा आ रहा है मजा आ रहा है ऊपर से बर्फ गिर रही है और इसका लगने जा रहा है मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्शन है दिल में ऐसी खुशी है मतलब क्या बताऊं यार आई विश कि आप लोग भी ये एहसास जो है वो कर पाते बट अब सोचा पहाड़ों में नहीं हो कोई बात नहीं यार सारे अपनी अपनी जिंदगी में जीवन में व्यस्त होते हैं कहीं ना कहीं काम पे किसी चीज़ों की वजह से मजबूर बट कोई ना एक दिन ये मजबूरियाँ ये दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि जब वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता आ सकता है सो हाँ और जो जो पहाड़ों पे ना वो कमेंट करके बताओ कि कैसा मज़ा आ रहा है हाय पर आपको देख के कैसा लग रहा है आप भी बताओ कमेंट में
गाइस अभी स्नोफॉल जो हो रही है ना यार, इतनी ज्यादा और इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना। हम सामान लेना आए थे, मैं बाद में ले लेंगे, पहले देखो स्नोफॉल आज, क्या पता आज हो कल ना हो, तो मजा पूरा ले लो पहले। हाय ओए मजा आ गया यार, मजा ही आ गया यार। और अभी इतनी हो रही है ना, अभी क्या बताएं, मतलब जैकेट पे देखो दिख ही रहा होगा, हाथ ठंडे हो गए वैसे, बट मजा पूरा आ रहा है। ये देख रहे हो नजारा, देख रहे हो, ये देखो स्नोफॉल दिख रही है आपको, मजा ही आ गया यार। बर्फ को हमारे ये कुछ ज्यादा ही स्नोफॉल हो रही है अभी भाई साहब, पर मजा आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब स्नोमैन की तरह बन गए हैं। हां एंजॉय कर दो जा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना। हाय ना कोई छाता ना कोई कुछ, एंजॉय द मोमेंट, टेंशन ही नहीं है। हम बाहर से आ गए, ये सोया हुआ है तब से है, बीमार चप कर बाहर आ, बाहर जो मजा उधर देख, मामू कहां जा रहे हैं, मामू वीडियो बनानी आपकी नहीं, रुको बनाता हूं मैं। सो गाइस बर्फ में गीले हो गए थे हम, उसके बाद चुपचाप रजाई में आ गए, डिनर भी कर लिया और बाहर स्नोफॉल भी ख़त्म हो चुकी है और वेदर बता रहे हैं कि आज रात को क्लियर हो जाएगा, तो मतलब कल जो है फुल डे धूप रहने वाली है, बट आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं बता नहीं सकते, अब हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। चलो फिलहाल यार अब सोते हैं, करते हैं आज के ब्लॉग के एंड, अब कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगी तो शेयर करो एंड सब लोगों को बताओ कि भद्रवाह में जब बर्फ पड़ती है, भद्रवाह ऐसे ही बहुत खूबसूरत है, बर्फ में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फिलहाल के लिए बाय बाय।